द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड इलेक्शन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश और उसके साथ दूसरे राज्यों के लिए आज चुनाव कार्यक्रम जारी हुआ है और इसी के साथ ही आदर्श आचरण संहिता जो है वो लागू हो गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है कि वह अपने क्षेत्र में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी सम्मानित पत्रकार लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और हमारे प्रिंट मीडिया के साथियों को इसकी सूचना दें। मेरे हिसाब से लोगों ने नोट कर दिया होगा, लेकिन उसके बाद भी जो हमारा शेड्यूल था वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो इसके इलेक्शन की जो अधिसूचना जारी होगी, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ गेजेट नोटिफिकेशन है वो 2 नवंबर शुक्रवार, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो अंतिम दिनांक होगी जो भी आदमी नाम नोटेशन पत्र जारी कर सकता है वो 9 नवंबर होगी, वो भी शुक्रवार है। डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन जो है 12 नवंबर है सोमवार, लास्ट डेट फॉर विड्रावल ऑफ कैंडिडेट जो नाम वापसी की जो डेट है वो 14 नवंबर है बुधवार, डेट ऑफ पोल जो है जिस दिन मतदान होगा वो 28 नवंबर है उस दिन बुधवार है, और डेट ऑफ काउंटिंग जो है वो 11 दिसंबर को 11/12/2018 दिन मंगलवार, और 13/12/2018 गुरुवार से पूरी जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो कम्प्लीट की जाएगी। तो ये मूल बिंदु है। आचार संहिता के विभिन्न आदेश जारी किए जा चुके हैं, जिले में धारा 144 लगाई जा चुकी है। अब से चुनाव के पूरे कार्यक्रम की समाप्ति तक सभी प्रकार के आयोजन, सभी प्रकार के जुलूस, राजनीतिक जुलूस या जहाँ पे भी बड़े सभाएं हैं, इनके बगैर अनुमति के ये सब जो है अनधिकृत रहेंगे। इनकी अनुमति लेने के लिए संबंधित क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर्स अधिकृत किए गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में 8 विधानसभाओं में रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनके साथ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स अधिकृत किए गए हैं और सभी लोगों को उनसे अनुमति लेकर ही किसी भी कार्यक्रम को करना चाहिए। और इसके अलावा जो दूसरे आदेश जारी किए गए हैं उसमें आप सभी जानते हैं कि बंदूक लाइसेंसेस जो है वो अब सभी थानों में जमा कराए जाएंगे, उसका ऑर्डर जारी किया गया है। जितने भी अनुज्ञप्ति धारक लाइसेंस धारी घर हमारे जगह यहाँ पर 5,000 के लगभग कुछ नंबर है, तो वो सभी लोगों को संबंधित थानों में अपने बंदूक, अपने शस्त्र जो है वो जमा कराने होंगे। इसके अलावा कोलाहल अधिनियम के तहत आदेश जारी किया गया है, संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत आदेश जारी किया गया है, सभी किसी भी प्रकार के शासकीय भवन पर किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री या उससे चुनाव से संबंधित कोई भी चीज़ लगाए जाना अपराध माना जाएगा और संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ऐसे स्थान जो शासकीय भवन नहीं है परंतु पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर भी किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री, बैनर वगैरह लगाया जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। प्राइवेट मकानों पर या प्राइवेट संपत्ति पर जो संबंधित व्यक्ति है उसकी अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। अगर उस प्राइवेट आदमी की अनुमति के बगैर कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल उनके संपत्ति का विरूपण करता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी मोटा मोटा जो आप लोगों को बताना था वो मेन पॉइंट्स थे। और इसके अलावा जैसे जैसे अब अभी एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी कि अब से जो है आज जैसे आचार संहिता लग गई है तो आज की जो आज हमारी चर्चा हो रही है उसके बाद अगले सप्ताह से प्रत्येक मंगलवार को 11 बजे से राजनीतिक दलों की बैठक रखी जाएगी और 11:30 बजे से मीडिया के साथ चर्चा की जाएगी जिसमें आप सभी लोग जो है हमेशा आमंत्रित रहेंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि हर बार जो है अलग से बैठक के लिए पत्र नहीं जारी किया जाएगा, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो पूरे सप्ताह हम लोगों ने जो भी किया है या अगले सप्ताह में हम जो भी करने वाले हैं उसकी जानकारी एक जारी रूप से दे दी जाएगी जिससे कि जानकारियों का सतत आदान प्रदान बना रहे। ट्रांसपेरेंसी आई बिलीव इज द की ऑफ फेयरनेस। जितना ज़्यादा जो है आप लोगों को हम जानकारी देते रहेंगे और दूसरा आप लोगों के जो सवाल होंगे टेकअप मैडम।